तब कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप का जिलेटन लोगो इलस्ट्रेटर में कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेटर प्रोग्राम चालू कर दिया। यहाँ पे मैं राइट टूल में से इक्लिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे उसका फिल कलर ब्लैक कर देता हूँ और मैं 500x500 का एक सर्कल ले लेता हूँ और उसको एक मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और आर्टवर्क का थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी हम एक लिप बनाएंगे, तो इसका ही मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। अल्टर के साथ ड्रैग करूँगा तो डुप्लीकेट आ जाएगा। बाद में यहाँ से पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल ले लूँगा और यहाँ से ये प्रेस कर दूँगा। बाद में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे और थोड़ा इस टाइप का थोड़ा ड्रैग करेंगे हम एक। आपको लिफ्ट बनाना है यहाँ पे और यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल से एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ तो हमने एक लिफ्ट का शेप दे दिया है। उसको मैं एक कलर दे देता हूँ ये टाइप का। अभी इसमें हम यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, पेन टूल लेता हूँ तो एक मैंने ऐसा लाइन खींचा है। उसको मैं एक ब्लैक कलर देता हूँ, स्ट्रोक रख देता हूँ और स्ट्रोक को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से आपको मैंने इस टाइप का स्ट्रोक सिलेक्ट किया है और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ अभी मैं एक फिर से शेप दौड़ता हूँ। इसको मैं कलर यही अपना लिप का दे देता हूँ। और यही सबको उठा के मैं यहाँ पे ला देता हूँ, सेंटर कर दिया। अभी इसको मैं थोड़ा शेप को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे टच हो जाएगा तो हमारा शेप कंट्रोल वाई करता हूँ तो यहाँ पे टच हुआ कि नहीं वो थोड़ा देख लेते हैं हम। मेरे ख्याल से थोड़ा टच नहीं हो रहा है तो इसको मैं इससे ले लेता हूँ, अभी हो जाएगा। कंट्रोल वाई फिर से करता हूँ। बाद में इस सब को थोड़ा एडिट करते इसको मैं यहाँ खींच लेता हूँ और ये वाले सब को मैं यहाँ से वाला पॉइंट पे खींच लेता हूँ और इसको थोड़ा शेप अच्छा दे देता हूँ। ये बढ़िया रहेगा। अभी मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ एक्सपैंड अपीयरेंस। बाद में ये तीनों ये सब शेप को मैं जोड़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी टूल का यूज़ करता हूँ और ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए वो। बाद में ये वाला पार्ट है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपका ये ग्रो ग्रीन का लोगो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो पार्ट बाहर निकला हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा लोगो अच्छा दिखे। यहाँ पे आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं बाद में थोड़ा इस टाइप का। तो आपका गो ग्रीन का लोगो और जी लेटर का लोगो तैयार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।